जी तो आपका चाइना का टूर कैसा रहा और अभी आप कहाँ जा रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चाइना का टूर बहुत अच्छा था। आज मेरी फ्लाइट थी चाइना टू इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से मैं बाय रोड लाहौर आई हूँ और क्योंकि आज पंजाब असेंबली का सेशन था तो मैंने वो अटेंड करना था, दैट्स व्हाई आई अटेंडेड द सेशन आल्सो। तो बस आज सेशन अटेंड किया। तो अब हमें डेलीगेशन के बारे में बताएंगे, किस सिलसिले में गई थी आप? ये पाकिस्तान की डेलीगेशन थी ऑन द गवर्नमेंट लेवल जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने इनवाइट किया था हुकूमत की डेलीगेशन को। और जैसे आपको पता है कि सीपैक इज़ अ क्रूशल प्रोजेक्ट जिसको नवाज शरीफ साहब ने आगाज़ किया था और हम चाहते हैं कि दोबारा उस पर तेज़ी से काम हो, तो ये डेलीगेशन उसी सिलसिले में थी। इसके अलावा हमने डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ और बिजनेसेस वहाँ विज़िट किए, जैसे सोलर पैनल्स और जो अपॉर्चुनिटीज़ और बिजनेसेस हम चाइना से पाकिस्तान में ला सकें और अपनी इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज़ कर सकें, अपनी इकॉनमी को रिवाइव कर सकें और अपने लोगों को ज़्यादा रिसोर्सेज दे सकें। तो इस दौरे के बाद आप पाक चीन दोस्ती को कैसे देखती हैं? देखिए पाक चीन दोस्ती जो है ना, मैं जितनी देर वहाँ रही हूँ उन्होंने यही कहा है कि पाकिस्तान इज़ लाइक आर आयरन ब्रदर, और वो ये कहते थे कि हाँ आर फ्रेंडशिप इज़ डीपर दैन द ओशन एंड हायर दैन द हिमालयस। और मुझे इतना अच्छा लगता था कि हम पाकिस्तानी शलवार कमीज में और दुपट्टे में जब चाइना में फिरते थे तो लोग हमें रुक के हमारे साथ तस्वीरें खिंचाते थे और हमें कहते थे हाँ आप पाकिस्तानी हैं। और मुझे ऐसी भी जगह मिली जहाँ मस्जिदें थी चाइना में, हमने वहाँ नमाज पढ़ी, इस्लामिक इंस्टीट्यूट अटेंड किए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने हमें बहुत इज्जत दी, बहुत रिस्पेक्ट दी और इस वजह से मैं बहुत थैंक करती हूँ चाइनीज़ गवर्नमेंट का और स्पेशली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का जिन्होंने हमारी डेलीगेशन को बहुत इज्जत रिस्पेक्ट दी। और मैं आप लोगों को पाकिस्तान इनवाइट भी